गाइज वेलकम टू ई एन एन के क्रिएशन। तो गाइज देखिए, मैंने यहाँ पे आलू की भुजिया बनाया है और आइए देखते हैं। इसे बहुत बनाना इजी है और बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं और आलू को मैंने छील लिया है, उसके छिलके निकाल लिए हैं और इसमें पानी डाल दिया है। गाइज आलू को जैसे ही छीले वैसे इसको पानी में डाल दें कि नहीं तो आलू काले पड़ने लगते हैं। तो इसको मैंने पानी में डाल दिया है और उसे 3-4 पानी अच्छी तरह से धुल लेंगे। और अब मैं इसे आलू को कट कर रही हूँ। तो आलू को देखिए कैसे कट करना है, बहुत बारीक नहीं कट करना है। देखिए मैंने क्यूब्स में आलू को कट कर लिए, स्मॉल क्यूब्स में मैंने कट किया है, छोटे छोटे क्यूब्स बनाए इसके। अब इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, लहसुन लिया है और मिर्ची लिया है। तो लहसुन को मैं बारीक बारीक काट लूँगी, बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में कर लूँगी और मिर्ची को भी स्लिट कर लूँगा। देखिए इसको मैंने कट करके क्यूब में और इसे पानी में ही डाल के रखा। देख सकते हैं पानी में बिल्कुल भी स्टार्च नहीं, पानी बिल्कुल भी क्लीन है। अब मैं पैन में वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ और इस ऑयल को पूरे पैन में स्प्रेड करूँगी। पूरे पैन में स्प्रेड करने का रीज़न ये है कि गाइस हम भुजिया सब्जी बना रहे हैं, ये बिल्कुल भी पैन में चिपकता नहीं है, तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन स्टिक पैन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पैन है तो आपको पहले पूरे पैन में ना ग्रीस जैसे कर लेना है। अब मैं इसमें लहसुन डाल दे रही हूँ बारीक कटा हुआ, हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो इसमें मैं जीरा पाउडर ऐड करूँगी और अब मैं इसमें स्लिट किया हुआ चिली डाल दूँगी काट के। अब मैं इसमें आलू भी ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो इस पर इस समय मैंने फ्लेम को स्लो रखा है। तो गाइज इसे बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं लेना है, नहीं तो हमारा भुजिया बहुत अच्छा नहीं बनेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में लेना। अब इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब नमक और 1/2 टीस्पून जितना मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल में। और अब पूरे पैन में मैं इसे अच्छी तरह से वेजिटेबल को स्प्रेड कर दूँगी, देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी। तो इसे तुरंत लगातार नहीं चलाते रहना है, 2-2, 4-4 मिनट रुक रुक के हमें चलाना है। और जैसे जैसे ये चलाते रहेंगे बीच बीच में आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और फिर से इसे ढक के ऐसे ही कुक करेंगे, हरदम स्प्रेड कर देंगे। और ये धीरे धीरे गाइस ये ऑयल अपने आप रिलीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत भी नहीं होती। और आप देख सकते हैं मेरा पहला पूरा पैन भरा हुआ था, अब ये पैन धीरे धीरे छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। और देखिए बिल्कुल भी क्लीन हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें कलर भी आ गया। मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दे रही हूँ। गाइस बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें कसूरी मेथी का, अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी क्रंची बना है। तो गाइस आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे घर में।